नमस्कार दोस्तों, सीसीवीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसीवीएलई हैं, एक किसान हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन था वो सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, कैसे ऑनलाइन होगा, उसके बारे में जो भी डिटेल्स है उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह करूंगा एक छोटा सा अनुरोध, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी एली ग्रुप हैं, सभी पहुँचा दीजिएगा। तो ये दोस्तों, बिना देर के बता देता हूँ आपको आज के इस बड़े अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा vlesociety.com की वेबसाइट पर। और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों, आपको अगर आप किसी वीएली हैं और अभी तक आपने वीएली सोसाइटी की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया तो कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, इसको आपको कोई पैसा नहीं पड़ता है। और यहाँ से आपको सीएससी और सोसाइटी के संबंध में जो भी लेटेस्ट जानकारी होती है सीधे आपके ईमेल एड्रेस पे पहुँच जाती है। और अगर आप यहाँ पे पहले से मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ न्यूज़ वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। और न्यूज़ सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे आपको सामने इस तरह का कुछ पोस्ट दिखाई पड़ेगा, इस पर क्लिक कर लेना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह के पेज खुल के आ जहाँ पर लिखा रहेगा पीएम किसान सम्मान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2019 के बारे में। तो यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और डिटेल में बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जिसमें 6000 हर साल किसानों को दिए जाने का प्रावधान था, उस योजना का लाभ जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को पहुँचाने के लिए जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई। जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद नई मोदी सरकार ने जो है कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही बाकी किसानों को, क्योंकि पहले कुछ कम किसानों को इसमें लाभ दिया जाना था लेकिन जितने किसान बच गए थे उनको भी इस योजना के लाभ देने के लिए फैसला लिया गया है, उस पर मोहर लगा दी गई है। और अब साथ ही साथ उनको लाभान्वित करने के लिए, उनको लाभ लेने में आसानी हो उसके लिए उनको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जिसको वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी पे जाके इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होगा तो इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, अब सरकार लाभ देने वाली योजनाएं सामान्य रूप से चलनी शुरू हो गई है। सरकार ने पीएम किसान योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2019 में से एक है वो अब हुए किसान इस स्कीम के तहत अंतर्गत पैसे पाने के हकदार हो गए जो 10 मार्च को आचार संहिता लगने से पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे या अभी तक जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे 7.5 करोड़ किसान शामिल हैं और अभी तक लगभग 4.76 करोड़ किसान शामिल थे जिनको इस योजना के तहत लाभ दिया जा रहा था, जिनको इसका पैसा मिला था। और नरेंद्र मोदी की दोबारा सरकार आने से किसानों को फायदा होगा कि किसी जो स्कीम है हमेशा की तरह चलती रहेगी और इस योजना में छोटे किसानों को लाभ मिलेगा। और एक आला अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी जो जनसेवा केंद्र है जहाँ से आजाद निवास वगैरह की आप लड़ाई करते हैं, जब बिजली वगैरह बिल जमा करते हैं, वहाँ से 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो जाएंगे। इन कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से सारे किसान जो पात्रता जो नई एलिजिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि पहले 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन वाले किसान जो ही एलिजिबल थे इस योजना के लिए, लेकिन अब उसकी पात्रता रिवाइज हुई, अब बाकी जो किसान हैं, जो भी किसान हैं, वो सारे भी किसान इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए कि अगर किसान जो है जिसके पास 2 हेक्टेयर उससे ज़्यादा की ज़मीन है वो एलिजिबल हैं। अभी तक क्या था कि 2 हेक्टेयर से कम वालों को ही लाभ मिलता था, लेकिन अभी जो है इसका ये शर्त जो है ख़त्म कर दी गई। लेकिन इसके लिए एक दो कंडीशन अभी और फॉलो करनी पड़ेगी किसानों को इसका लाभ देने के लिए। सबसे पहला तो ये है कि जो भी किसान अप्लाई कर रहा है उसका कोई सरकारी नौकरी घर पे नहीं होना चाहिए, यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ वो जो है इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, अगर इनकम टैक्स पेयर है तो उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ इसका जो लाभ लेने के लिए यहाँ पे किसान यानी कि वो जो किसान है, ऐसा नहीं कि अभी ज़मीन खरीद लिया और किसान बन गया, उससे पहले का जो पहले का रिकॉर्ड है जब ये योजना चालू हुई थी 1 दिसंबर 2018 को, उस टाइम अगर वो किसान था तभी उसको जो है किसान माना जाएगा, तभी इसको लाभ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको, तो यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, लैंड रिकॉर्ड यानी कि खसरा खतौनी कॉपी चाहिए और मोबाइल नंबर। इतनी चीज़ें होने पर आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन फिर से स्टार्ट हो गया, जिन किसानों को इस योजना में लाभ नहीं है, सूची में नाम नहीं है, वो अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी में जाके इसका लाभ लेने हो तो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के बाद जो है क्या होता है प्रोसेस वो मैं बता दूँ, तो यहाँ पर आपको पंजीकरण के बाद आपका जो भी जैसे आज आप निवास वगैरह बनवाते हैं उसका वेरिफिकेशन आपके लेखपाल या जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं उनके पास जाता है, उसी तरह आपका ये इसका भी वेरिफिकेशन जो है आपके लेखपाल या कृषि विभाग के जो भी ऑफिसर्स होंगे उनके पास जाएगा कि ये किसान हैं या नहीं है, इनके एलिजिबल हैं या नहीं, और वहाँ से वेरीफाई हो जाने के बाद आपके अकाउंट में जो है पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, इस तरह से आपका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद पैसा आना स्टार्ट होगा आपके खाते में। और अगर आप इस योजना के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, कुछ आपने अप्लाई किया था पैसे वगैरह नहीं आ रहे, कुछ और जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए गए,
इन नंबर्स पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं, अपनी शंका समाधान कर सकते हैं। और अगर इस योजना में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर की जानकारी निकाल सकते हैं, वहाँ पर जाके इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने जितने भी दोस्त हैं, जितने भी एली ग्रुप हैं, सभी पहुँचा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।